गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगर आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, फ्रेंड्स आप भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और वहां से मैट्रिक किए हैं और इंटर किए हैं और आपका रिज़ल्ट इस बार आया हो या पिछले वर्ष आया हो, तो आप लोग को जैसा कि पता है कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत में आप लोगों को, यानी कि सभी छात्र छात्राओं को, अगर मैट्रिक पास हैं तो उनको 10,000 रुपये मिलता है फर्स्ट डिवीज़न को, सेकंड डिवीज़न को 8,000 रुपये मिलता है। इंटर के छात्राएं हैं तो उनको सीधे 25,000 रुपये मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधे उनके बैंक अकाउंट में 25,000 मिलता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, या तो 2020 सत्र के हों, 2021 सत्र के हों, या 2022 सत्र के हों, उन लोगों की जो है पोशाक का पैसा, साइकिल का पैसा, और जो राष्ट्रीय, जो कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत पैसे मिलते हैं, वो सारे पैसे का मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वो सब मिलना शुरू हो गया। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जो साइट है edu.dbt.bih.nic.in, इस पे जो है आपको जितनी भी छात्रवृत्ति आती है, जो भी स्कॉलरशिप आता है, जो भी पोशाक मुख्यमंत्री का जो योजना होता है उसके तहत जो भी पैसे आते हैं, वो उसका सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो देखिए, मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019-2020 के लिए आवेदन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे लिंक है जहाँ से आपको आवेदन करना है, यहाँ पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं 2019 के छात्र हैं। ठीक है, और आगे देखिए, उसके बाद आगे देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक के लिए, यानी 10th के लिए विद्यार्थियों के केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना पड़ेगा। आवेदक का आवेदन महाविद्यालय के माध्यम से स्वीकृत नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन भरना है आपको दोस्तों। यहाँ पर जाकर के, ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू, यानी प्लस टू वाले को, प्लस टू छात्रा को जो है प्रोत्साहन योजना 2021 का आवेदन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2020 में जो अगर कोई किए हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पे है, और 19 का भी एप्लीकेशन स्टेटस सारा कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना 2019। ठीक है, इसके लिए जो है प्लस टू का प्रोत्साहन योजना, यहाँ पर एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं जा करके। ठीक है, ये जो है एप्लीकेशन, उसके बाद है, अब यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्लस टू के लिए विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना होगा, विद्यार्थियों को महाविद्यालय के किसी डॉक्यूमेंट या आवेदन देने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी के लिए रिजल्ट के समय अविवाहित होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, प्लस टू के जो छात्राएं हैं उनको अविवाहित होना अनिवार्य है, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इनका, इसका जो है, यहाँ पर देखिए, प्लस 10th पास के लिए, 10th पास बालक या बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना होगा, विद्यार्थियों को विद्यालय में किसी डॉक्यूमेंट या आवेदन देने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं 2020 के लिए है ये। ठीक है, प्रोत्साहन योजना 2020 के लिए जो है आया हुआ है, यहाँ पर आप जो है आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद ही आपको ये लिंक जो है ओपन होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, बैंक अकाउंट फटाफट आप लोग जा करके एक खुलवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, बैंक अकाउंट खुलना भी ज़रूरी है। फिर आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए जो रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक से। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए, और बैंक जो अकाउंट है वो बिहार में ही होना चाहिए। ये सारे जो है, ये सारी चीज़ आप लोग फटाफट करवा लीजिए जा करके, ताकि आपको जो भी सरकार, मतलब कि छात्र हैं, वो जो है इसका लाभ जरूर उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे अपडेट डेली लाता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।